हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम दो कलर का डिज़ाइन सीखेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, चार नीडल आगे कर ली और दो नीडल पीछे रखेंगे। फिर हमने चार नीडल आगे कर ली, दो नीडल पीछे रखेंगे। इस तरह से हमने नीडल सेलेक्ट कर लेनी है। दो नीडल हमारी पीछे रहेगी और चार चार नीडल हमने आगे कर लेनी। जो नीडल हम आगे कर लेंगे उनको हमने अभी बुनना है, और जो पीछे दो नीडल है उनको हमने बिना बुने ही लेना है। तो हमने क्या करना है, दूसरा कलर है मैरून, तो इसको हमने कैरिस में लगा लिया। अब हमने जो दो फर्स्ट वाले जो दो बटन हैं इनको हमने प्रेस करना है और एक सिलाई लगाएंगे, वन रो लगाएंगे। वन रो लगाने के बाद फिर हमने जो नीडल आगे की थी चार चार, वही हमने दोबारा आगे करनी है। फिर हमने वन रो और लगानी है, ये हमारी टू रो हो गई। अब हमने क्या करना है, जब हम दूसरी बार दूसरी रो लगाएंगे यानी कि दूसरे कलर से बुनेंगे तो हम वो कैरीज में लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, वन वन वाला जो ट्रांसफ़र टूल है वो लेंगे। देखिए ये वन वन वाला ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरे कलर का जो बीच में दो फंदे हैं उसको हमने साइड में जो नीडल खाली की उसमें हमने ये डाल देना है, और बीच में हम साइड के जो फंदे हैं उनको हम बीच वाली नीडल में डाल देंगे। यानी कि जो दो फंदे हमारे ग्रे कलर के हैं ये हमने दोनों साइड हमने एक एक फंदे के बाद ये हमने बाहर की तरफ ट्रांसफ़र करने हैं। और हमने पहले ग्रे वाला जो फंदा है वो हमने पहले ट्रांसफ़र करना है। ये देखिए ये पहले किया, दूसरी साइड भी हमने ग्रे वाला पहले फंदा डालना है और मैरून वाला बाद में ट्रांसफ़र करना है। इस तरह से ये हमने फंदे ट्रांसफ़र कर लेने हैं। ये जो देखिए बाहर की साइड हमारे ये दो दो फंदे जो हैं, एक राइट साइड की तरफ एक लेफ्ट साइड की तरफ हमने दोनों ये फंदे ट्रांसफ़र करने हैं। और जो बाहर वाले फंदे हैं ये अंदर वाली नीडल में दो फंदे हमारे मैरून हो जाएंगे। इस तरह से इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और ये डिज़ाइन बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, नीडल आगे कर लेंगे और ये जो ग्रे कलर का जो धागा है इससे अब हम ये देखिए इसे हमने टू रो लगानी है। तो क्या करेंगे, हमने ये जो प्रेस किए थे जो बटन दो वो हमने आगे कर लेने हैं और टू रो लगा लेंगे। टू रो लगाने के बाद फिर हमने वही रिपीट करना है, चार नीडल हमने आगे कर लेनी है, दो नीडल पीछे रखेंगे, चार नीडल आगे कर लेंगे। इस तरह से हमने आगे नीडल करने के बाद ये दूसरा धागा जो है हमने लगाना है और बटन दो प्रेस कर लेंगे। फिर हमने दोबारा दो ये जो नीडल हमारी चार चार ये हम दोबारा आगे कर लेंगे। और वन रो और लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने वन वाला ट्रांसफ़र टूल लेना है वन बाय वन, और हमने ये फंदे जो है ट्रांसफ़र करने हैं। बाहर वाले फंदे अंदर वाली नीडल में डालेंगे और अंदर वाली नीडल के जो ग्रे वाला फंदा है वो हमने बाहर वाली नीडल में डालते जाना है। इस तरह से हम इस डिज़ाइन को डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने ये
पहले मैरून वाला फंदा निकालना है, फिर हमने ग्रे वाला निकाला और ये बाहर वाली नीडल में डाल दिया, और जो बाहर वाली नीडल का फंदा था ये हमने अंदर वाली नीडल में डाल देंगे। इस तरह से ये हमने फंदे ट्रांसफ़र कर लेने हैं। और ये नीडल हम आगे कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं। और अब हमने ग्रे कलर के दो सिलाइयाँ लगानी हैं। देखिए ये ग्रे कलर का धागा हम कैरीज में लगा देंगे और दो सिलाइयाँ लगा लेंगे, और जो बटन हमने प्रेस किया था उसको हम आगे कर लेंगे। देखिए दो सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर हमने वैसे ही रिपीट करना है, चार चार नीडल हमने आगे कर लेनी है और बीच में हमने दो नीडल जो है ये हम पीछे कर रख लेंगे। और फ्रेंड्स इसको आप जो मैंने दो नीडल पीछे की है आप ये चार भी रख सकते हैं। और देखिए यहाँ भी हमने फिर दोबारा चार चार नीडल ये आगे कर लेनी है और दो नीडल हमारी पीछे ही रहेगी जो दूसरे कलर का धागे की है वो हमने पीछे ही रखनी है, और ये जो मैरून वाले धागे की है ये हमने आगे कर लेनी है और एक रो और लगा लेंगे। अब ये हमारी टू रो हो गई। अब हमने वैसे ही फंदे ट्रांसफ़र करने हैं दोनों साइड। इस डिज़ाइन को डालना बहुत आसान है फ्रेंड्स। इसको हम किसी भी स्वेटर में, कार्डिगन में, किसी में भी आप डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और मेरी वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।